आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस वीडियो के अंदर एचएसएन कोड की सारी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन कोड मैंडेटरी हो गया है। चाहे किसी की टर्नओवर 2 रुपये है, चाहे 2 करोड़ है, चाहे 20 करोड़ है, सबको एचएसएन कोड अपने इनवॉइसेस पर डालना जरूरी है। तो इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे एचएसएन कोड कैसे सर्च करें, एचएसएन कोड किसके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं आपने इनवॉइस पर दिया तो क्या दिक्कत होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर, अगर हम एचएसएन कोड सर्च करते हैं तो उसे हम कहां से सर्च करें। तो सर्च करने के कई तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि आप gstcouncil.gov.in की साइट पर जाएंगे और यहां पर राइट साइड में आएगा एचएसएन, एचएसएन का रेट फाइंडर। आप वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें सर्च कैसे करना है भैया, आप यहां पर सीबीआईसी की साइट से भी आ सकते हैं। अब यहां पर गुड्स है और सर्विस है, दोनों का एचएसएन कोड है। तो अगर आपको सर्विस का सर्च करना है, सर्विस पर जाइए और यहां पर डाल दीजिए सर्विस का नाम। जैसे हमने लेट सपोज डाल दिया लीगल सर्विस। अब जैसे हम लीगल सर्विस डालेंगे और इस पर सर्च करेंगे तो यहां पर हमें उसका एचएसएन कोड दिखा देगा। लेकिन यहां पर एक गलती है। इसमें क्या गलती है कि यहां पर आपको सिर्फ 4 डिजिट का एचएसएन कोड दिखाएगा। सर, अगर हमें 8 डिजिट का देखना हो, अगर हमें 6 डिजिट का देखना हो, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए अगर आप याद करें तो याद करना, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करते समय गुड्स और सर्विस आपको सर्च करनी होती है। तो वहां पर अगर आप जाकर देखोगे तो वहां पर आपको 6 और 8 डिजिट का एचएसएन कोड मिल जाएगा। सर, अब कैसे करें उसे? आप सर्विस में जाओ। सर्विस में जाने के बाद, हाँ जी, लॉगिन करना पड़ेगा इस केस में आपको। और सर्विस में जाने के बाद आप किस पे क्लिक करो? रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यान से समझिएगा। रजिस्ट्रेशन में जाकर अपनी जो कोर फील्ड है उसे कुछ नहीं करना है, जो नॉन कोर फील्ड है उसमें चेंजेज करना है, अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड। यहाँ पर प्रैक्टिकली चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ हम एचएसएन कोड को समझने के लिए, सिर्फ हम किस बात को समझने के लिए, एचएसएन कोड को समझने के लिए अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड में जाएंगे, ठीक है ना। अब जब आप अमेंडमेंट करने जाओगे नॉन कोर फील्ड में तो वहां पर आपको गुड्स और सर्विस दिखाएगा, और जो वो गुड्स और सर्विस आपको दिखाएगा तो वहां पर जाकर आप एचएसएन कोड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर, 8 डिजिट और 4 डिजिट किस किस के लिए एप्लीकेबल है? तो हमने क्या करा है, अपनी अप्रैल 2021 के एडिशन में हमने क्या करा है, 10 FAQs बना दिए, जिससे आपको सारी डिटेल पता लग जाए। तो अगर आप इन FAQs को देखेंगे तो इसमें आपको बताया गया है कि HSN कोड क्या है, ठीक है ना। HSN कोड क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमनिक्लेचर है। मतलब कि जैसे एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को पंजाबी लोग कुछ कहते हैं, ठीक है ना। पंजाबी लोग, जैसे आपके घर में पिलो होता है, तकिया, तो हम हिंदी में तो क्या कहेंगे उसे? तकिया, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिलो। अगर हम पंजाबी की बात करें तो वो उसे बोलेंगे सराहना। तो भैया एक चीज समस्या आती है कि इंटरनेशनली अगर किसी व्यक्ति को तकिया खरीदना है और अगर वो पंजाब से खरीदना है तो अब उसे तो पता ही नहीं है ना इसका नाम क्या है। तो हर आइटम को एक कोड दे दिया गया है, एक नंबर दे दिया गया है, जिसे इंडिया में या पूरे विश्व में उसी नंबर से जाना जाएगा। आप इसे सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ लो कि लेट सपोज ये मिस्टर रामलाल है, कल को ये चला गया यूएस घूमने। अब ये यूएस घूमने जा रहा है, वहां पर यूएस में जाकर, ये रामलाल कहां रहता है? लक्ष्मी नगर में रहता है। अब ये यहां पर यूएस घूमने जा रहा है, यूएस में जाकर कोई व्यक्ति से मिला और उसने पूछा, रामलाल तुम कहां से आए हो? अगर ये कह दे मैं लक्ष्मी नगर से आया हूं तो शायद यूएस वाले को ना पता लगे। तो सबसे पहले ये रामलाल क्या करता है, यूएस वाले को बताता है कि भैया मैं आया हूं इंडिया से। और जैसे ही वो इंडिया बताता है, वो समझ जाता है कि भैया इंडिया से आया है। अब अगर मान लो वो व्यक्ति भी इंडिया के बारे में जानता है तो पूछेगा इंडिया में कहां से आए, तो उसने बताया इंडिया में मैं आया दिल्ली से। अब वो व्यक्ति भी अगर दिल्ली के बारे में जानता है, फिर वो आगे पूछेगा भाई दिल्ली में आप कहां से आए, तो दिल्ली में उसने बताया कि भैया मैं आया ईस्ट दिल्ली से। वो फिर पूछेगा ईस्ट दिल्ली में कहां से आए, तो ईस्ट दिल्ली में मैं आया लक्ष्मी नगर से। तो इसी तरीके से एचएसएन कोड होता है कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे सिर्फ 2 डिजिट्स का एचएसएन कोड पूछता है तो इसका मतलब वो डिटेल जानकारी नहीं मांग रहा, सिर्फ वो सिंपल कह रहा है कि आप बता दो कहां से आए। फिर अगर वो आपसे 4 डिजिट मांगता है तो फिर वो थोड़ी सी डिटेल में जा रहा है, ठीक है ना, डिटेल में जा रहा है। क्योंकि यहां पर जब आप एचएसएन की बात करोगे, यहां पर क्या होता है, हेडिंग होती है, चैप्टर होते हैं, सब हेडिंग होती है, तो इसका मतलब 4 डिजिट का मतलब है वो पूरी डिटेल मांग रहा है। और अगर यहां पर 6 डिजिट की बात कर दो या 8 डिजिट्स की बात कर दो तो वो उससे भी ज्यादा डिटेल में जा रहा है। तो यहां पर यह बात आपको समझनी है कि जब एचएसएन कोड है जो अप टू ₹5 करोड़ है, उनके लिए सिर्फ 4 डिजिट्स का मैंडेटरी है, ठीक है ना, और वो भी सिर्फ B2B के लिए,
ठीक है ना, बी टू सी के लिए वो कोई मैंडेटरी है ही नहीं, लेकिन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो गवर्नमेंट मानती है कि भैया ये ज़्यादा समझदार व्यक्ति है, इनके पास ज़्यादा अकाउंटेंट होंगे, तो एक तो इन्हें बी टू सी के लिए कोई छूट नहीं दी गई और बी टू बी के लिए भी कितने डिजिट, 6 डिजिट। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि 6 डिजिट के जो HSN कोड है वो मैंडेटरी है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और वो आपको CBIC की साइड से नहीं मिलेंगे, आपको अपने रजिस्ट्रेशन में जाकर, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन में जाकर वहाँ पर नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट में जाकर वहाँ पर सर्च करने पड़ेंगे गुड्स और सर्विस के, आप वो वहाँ से सर्च कर लेना। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, ये वाली बात हमें क्लियर हो गई। और HSN कोड के बारे में क्या बताना, इसमें हमने क्या करा है कि ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बता दिए हैं, और यहाँ पर हमने मैगजीन में भी बता दिया कि भाई आप 8 डिजिट्स कैसे फाइंड कर सकते हो और 4 डिजिट्स कैसे फाइंड कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि GSTR-1 में भी HSN कोड पहले भी मैंडेटरी थे 1.5 करोड़ से ऊपर, लेकिन अब ज़्यादा इस पर सख्ती दिखाई जाएगी, तो GSTR-1 में भी HSN कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर HSN कोड को अच्छे से निकाल लें, क्योंकि जब आप 1 अप्रैल को बिल बनाने जाएंगे और वहाँ पर HSN कोड अगर आपके पास नहीं है, रेडी नहीं है, गलत HSN कोड आपने डाल दिया, तो इसमें दिक्कत क्या होगी, एक तो सप्लायर को दिक्कत है, सप्लायर को क्या दिक्कत है भाई, उस पर पेनल्टी लग सकती है, उसका इनवॉइस इनवैलिड हो सकता है, लेकिन सर क्या रिसीपिएंट को भी दिक्कत है? हाँ भैया, मेरा मानना ऐसा है कि रिसीपिएंट को भी दिक्कत है, क्योंकि अगर मतलब सप्लायर ने कोई HSN कोड डाल दिया और वो गलत था, HSN कोड था लगभग सपोज करो 4244 और उस पर GST था 18%, लेकिन उसने क्या करा 4246 डाल दिया जिस पर GST था 12%, गलत HSN कोड लगाकर सेल कर दिया, तो क्या सामने वाले को ITC मिलेगा? भैया मेरा मानना ऐसा है कि सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट सामने वाले का ITC भी रोक सकता है ये कहते हुए कि आपके बिल पर जो HSN कोड लगा है वो गलत है और उस पर गलत रेट है। तो एज ए रिसिपिएंट भी आपको ये चेक करना है कि भाई जो बिल मैं इन्वर्ट सप्लाई के लिए लूँ तो उस पर मेरा HSN कोड सही हो। HSN कोड फाइंड करते हुए जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जब आप इसे GST काउंसिल की साइट से या जो मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से बताया है, अगर आप वहाँ से सर्च करते हो तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है और जो HSN कोड की टर्मिनोलॉजी है दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देखना है जो आपसे मैच करता हो। जरूरी नहीं है अगर आप इस पेन को डालें तो पेन ही निकल कर आए, क्योंकि HSN कोड फाइंड करने के भी सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं कि जिस बेसिस पर आप वो HSN कोड सर्च करो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि लेट सपोज आप कोई दो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक है LPG स्टोव पार्ट्स, ठीक है ना, अब वो जो LPG स्टोव पार्ट्स है वो बनता है ब्रास का, तो अब उस HSN कोड को आप ब्रास में सर्च करोगे या LPG स्टोव पार्ट्स में सर्च करोगे? तो इस तरह के पूरे फॉर्मूलाज हैं, पूरी कंडीशन है, पूरे रूल्स हैं जिस बेसिस पर आप HSN कोड सर्च करते हो। तो कई लोग क्या करते हैं, हमें फ़ोन कर देते हैं, हमें मैसेज कर देते हैं, सर मेरा आइटम ये है इसका HSN कोड बता दो, तो HSN कोड बताना इतना ईजी नहीं होता, HSN कोड से ये डिपेंड होता है कि उस पर GST रेट कितना आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको बात समझनी है कि HSN कोड आपको पहले से पहले ही निकाल कर रख लेना है, इसलिए हमने अपनी अप्रैल एडिशन के अंदर ये कोशिश करी है। देखिए हमारे साथ जो हमारे प्रवीण शर्मा जी हैं दिल्ली से, उन्होंने HSN कोड पर एक आर्टिकल भी दिया, हमारे साथ एक वीडियो भी बनाई, तो हम अप्रैल एडिशन में सारी चीज़ आपको देने वाले हैं। अगर किसी ने अभी तक अप्रैल एडिशन को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो अप्रैल एडिशन को सब्सक्राइब करा लें, और आप भी अगर ऐसा कोई आर्टिकल मैगजीन में देना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं, अगर आपका आर्टिकल अच्छा लगा तो हम अपनी मैगजीन में देंगे। आप सब लोगों को मैगजीन कैसी लगती है हमारी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अप्रैल एडिशन के लिए आप अपने आप को सब्सक्राइब करा लें। ये बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि इस टाइम पर होली का डिस्काउंट चल रहा है, और किस चीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, ईयर एंड का, तो अगर आपको लेना है तो कम पैसों में ले, क्योंकि इसके बाद ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सर क्या पेन ड्राइव मेंबरशिप पर भी डिस्काउंट है? हाँ जी, हमारी पेन ड्राइव और मेंबरशिप पर भी डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर किसी को लेनी है पेन ड्राइव जिसमें 150 घंटे का कोर्स है, जिसमें अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक अपडेट्स देते हैं, तो आप ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी HSN कोड के बारे में
क्या और टॉपिक हम अपनी मैगजीन में दे अप्रैल एडिशन में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।